Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर टू मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक UGC नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेस सेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का वो है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ये जो टर्म है इंक्लूसिव एजुकेशन की, ये जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है हमारा रीसेंट, वहाँ से लेकर सभी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी है। जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जानें कि इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों ने ये टर्म पहले नहीं सुनी हुई है या इसके बारे में नहीं पता है उन्हें, उनके लिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका कि नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन। सबसे पहले इंक्लूजन का मतलब समझते हैं। इंक्लूजन आप देख रहे हो इंक्लूड वर्ड से बना है। इंक्लूड क्या करना है अब एजुकेशन में, इंक्लूड हमें करना है उन सारे ही स्टूडेंट्स को जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, स्पेशल चिल्ड्रन हैं या किसी भी तरह के मेंटली या फिजिकल हैंडीकैप वाले बच्चे हैं, उनको इंक्लूड करना है और उन्हें जो उनके साथ के इक्वल पोटेंशियल वाले जो बच्चे हैं उनके साथ और उनके बीच में जो है वो भेदभाव नहीं करना है। डायग्राम में पिक्चर में आप देख रहे हैं यहीं पे नॉर्मल बच्चे भी खेल रहे हैं और जो किसी तरह के हैंडीकैप से जुड़े हुए बच्चे हैं जिनको किसी तरह की फिजिकल या मेंटल डिसेबिलिटी है, जो स्पेशल चिल्ड्रन है उन्हें इंक्लूड किया जा रहा है उनके नॉर्मल पीयर्स के साथ, उनके साथ वाले जो लोग हैं उनके साथ। तो इंक्लूजन का मतलब भी वही है। देखिए, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एबिलिटीज have the right to an education that is meaningful, appropriate and equivalent of that of their peers. उनके साथ के जो peers हैं, उनके दोस्त हैं, उनके हम उम्र बच्चे हैं, उनके साथ जो है उन्हें ये right दिया जाए कि उनको education हासिल करने का right हो एकदम equal level पे बिना किसी डिस्टिंक्शन के या बिना किसी bias के। ये तो होता है education के context में inclusion का मतलब। अब देखते हैं inclusive education क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन को डिफाइन किया गया है, यहीं से आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा कि ऐसी लर्निंग एनवायरनमेंट, अब ये लर्निंग जो एनवायरनमेंट है वो हो गया एक्सक्लूसिवली हम यहाँ बात करें तो ऐसे स्कूल्स, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट जो प्रमोट करता है फुल पर्सनल एकेडमिक एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ ऑल द लर्नर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, क्लास, कलर, जेंडर, डिसेबिलिटी, लर्निंग स्टाइल, लैंग्वेज एटसेट्रा। इन सारे ही पैमानों पे ये जो सारे मेजर्स लिखे हुए हैं कि कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के हिसाब से, किसी फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से, उसके रंग के हिसाब से, इन सारे ही पैरामीटर्स के हिसाब से बिल्कुल भी डिस्टिंक्शन ना हो बच्चों से, बच्चों के ऊपर, और उन्हें एक इक्वल ऐसा एटमोसफेयर मिले, ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, ज्वाइंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर कि क्या हो, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है उससे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो और वो पीछे ना छूटें। एक बड़ी इंपॉर्टेंट फ्रेज है जो इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड है, दैट नो वन लीव्स बिहाइंड, नो वन लीव्स बिहाइंड, यानी कि पीछे कोई भी नहीं रहता या कोई भी ना रह जाए, सबको साथ में लेके चलना है, इंक्लूड करना है एजुकेशन के सिस्टम में। तो ये था इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब। देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। प्रमोट चाइल्ड फ्रेंडली लर्निंग बाय रिमूविंग बैरियर्स टू लर्निंग एंड पार्टिसिपेशन। हर तरह के बैरियर्स को हटाकर सभी तरह के बच्चों को क्या की जाए, ये अपॉर्चुनिटी दी जाए, ये प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे वो लर्न कर सकें, चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, तो उनका सबको जब आप एक साथ पढ़ाएंगे या एक साथ बिठाएंगे तो क्या होगा, एक तरह की सोशल बॉन्डिंग होगी। सोशल बॉन्डिंग होगी कि अलग अलग स्टेट से आए हुए बच्चे जो डेमोग्राफिकली दूर की स्टेट्स हैं या फिर जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ के बच्चे जब नॉर्मल बच्चों के साथ आके बैठेंगे तो कल्चरल एक्सचेंज होगा, सोशल वैल्यूज बढ़ेंगी। तो ऐसी चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाने की बात बोली है।
सेफगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, कॉमन इंटरेस्ट क्या होगा सभी स्टूडेंट्स का, लर्निंग, लर्निंग के साथ क्या होगा, आप अगर उन्हें अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर देंगे, इक्वल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो उनको क्या होगा, अल्टीमेटली क्या करेंगे वो, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नॉर्मल लाइफ जीने की फैसिलिटी मिलेगी. All the students to have access to appropriate education which affords them the opportunity to achieve their potential. उनका अपना जो potential है, देखिए किसी में भी कोई physical या mental handicap होता है तो उसमें और अनेक ऐसी qualities होती हैं, ऐसे potentials, ऐसे skills होते हैं जिनमें improvement की या जिनमें कुछ अच्छा करने की काबिलियत होती है. तो एक अगर हम ऐसा joint platform provide नहीं करेंगे तो हम उन सबको पीछे छोड़ देंगे. और हमारे education में inclusive education का जो मैंने आपको phrase बताया वो यही है कि education से कोई पीछे ना छूटे, सबको साथ लेकर चलना है, ये point यही आपको बता रहा है. And finally, supportive culture of learning that encourages collaboration and problem solving. इकट्ठा उनको बैठ कर ये चीजें सिखाई जाए कि कैसे मिलजुल कर काम करना है, ग्रुप परफॉर्मेंस कैसे करनी है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है, कैसे आपको डिसीजंस लेने आने चाहिए, इन सारी चीजों पर उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, तो कह सकते हो कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो. अब मैं आपको बताती हूँ कि इंक्लूसिव एजुकेशन की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे कि आपको और थोड़ा सा इस टॉपिक के साथ कनेक्ट फील होगा. पहले क्या होता था, काफ़ी टाइम से इंक्लूसिव एजुकेशन की बात तो की जा रही थी, बट फिर भी जब एक्चुअल में बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती थी ऐसे स्कूल्स में एडमिशन लेने की, तो एडमिशन लेने के बावजूद, ऐसी चीज़ों को इम्प्रूव करने के प्रोमिसज करने के बावजूद, ऐसी पॉलिसीज या प्लान बनाने के बावजूद क्या होता था, जब एक्चुअल में ऐसे बच्चे स्कूल या कॉलेज में आते थे नॉर्मल बच्चों के साथ, तो एक अनसेड सा बाइफर्केशन रहता था. फिर भी किन चीज़ों को लेकर, करिकुलम को लेकर, कभी यहाँ तक कि दोनों के बैठने की जगह भी कई बार अलग कर दी जाती थी कि जो थोड़े से डिसेबल्ड बच्चे हैं वो इस रूम में ये चीज़ें सीखेंगे और जो नॉर्मल बच्चे हैं वो इस रूम में सीखेंगे. तो हमेशा से एक अनसेड सी वॉल रही है इन चीज़ों के बीच में, और हमेशा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसकी वजह से वो करनी पड़ी पेरेंट्स को और ऐसे बच्चों को, ऐसे लोग, ऐसे जो चिल्ड्रन हैं उनको और पेरेंट्स को हमेशा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. अब क्योंकि इतने टाइम के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, अपने एजुकेशन के स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करने की बात कर रहे हैं, रीवैम्प करने की बात कर रहे हैं, तो हमने ये रियलाइज किया कि अब जरूरत है ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म एक्चुअल में फंक्शनल बनाने के लिए जिस पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ऐसे बच्चों के साथ कुछ खराब ना हो, उनके एजुकेशन को लेकर या उनके स्किल्स सीखने को लेकर जो है उनमें कमी ना रह जाए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जो दी गई है वो स्कूल्स को खुद दी गई है. स्कूल प्लस टीचर्स, आप दोनों की जिम्मेदारी होगी कि ऐसे बच्चे आपके साथ, नॉर्मल बच्चों के साथ एक साथ पढ़ें बैठें. अब आपको उनके लिए ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करना होगा, टीचर्स को स्पेशल मेथड से इक्विप करना होगा, उन्हें ऐसी टीचिंग मेथडोलॉजी सिखानी होगी जिससे कि क्या करें वो उन बच्चों के साथ जो इस तरह के हैंडीकैप वाले बच्चे हैं उन्हें भी हैंडल कर पाएं. आपको अपने स्कूल में ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होंगी जहाँ पे कोई ट्रेनिंग हो रही है या कोई वोकेशनल स्किल्स जो है आप सिखा रहे हैं, वहाँ पे ऐसे बच्चों को बंधन ना हो, उनके चीज़ों को लिए उनको ईजी बनाना, उनको उसके बराबर का अवसर देना उन चीज़ों को सीखने के लिए, ये स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो एक तरह से बच्चों और पेरेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लैग कर दी हैं इस वजह से, ये जो हमारा शॉर्टकमिंग रह गई इंक्लूसिव एजुकेशन को एक्चुअल में इसको हमें इंप्लीमेंट करने में, उसको दूर करने की कोशिश की जा रही है अब इस कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए जिसका नाम है इंक्लूसिव एजुकेशन. इस बार या पिछली बार के एग्जाम में आपके नेट के आया भी था इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन, और उस पर ऑप्शन में आपको यही बताना था कि जो स्पेशल बच्चे हैं वो भी नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ें, वो ऑप्शन जो था इसका करेक्ट आंसर था. सात प्रिंसिपल्स देख लेते हैं, इसमें क्या प्रिंसिपल्स उन्होंने बोले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर. टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स, ऑल आते ही मतलब हो गया जो नॉर्मल बच्चे हैं वो भी और जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं वो भी, सबको आपको पढ़ाना है एक साथ. एक्सप्लोरिंग मल्टीपल आइडेंटिटीज, हर बच्चे की अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग लर्निंग की जो डोमेन होता है, अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल होता है, उस सबको आपको आइडेंटिफाई करके उनको क्या करना है, इंडिविजुअली केटर करना है, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट को इंडिविजुअली केटर करना आपकी एज अ स्कूल अथॉरिटी जो आपकी है उसकी, और आपका जो टीचिंग स्टाफ है उसकी है जिम्मेदारी कि आप हर तरह के बच्चे की नीड्स को केटर करें.
प्रिवेंटिंग प्रेजुडिसेस, प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, आपने किसी भी तरह का भेदभाव या किसी भी तरह का प्री कंसीव्ड नोशन कि इसको ये बात समझ नहीं आएगी, ऐसा कोई नोशन या इसके लिए यह ज़रूरी नहीं है जानना, इस तरह के नोशन से अपने आप को ऊपर उठाकर सभी बच्चों को क्या करना है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है और क्या करना है, उनको इक्वल ग्रोथ और प्रोग्रेस की जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करनी है। सोशल जस्टिस वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने इस प्रोग्राम के दौरान जो हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की है, सभी विदाउट कंसिडरिंग द रिलीजन द कास्ट के सोशल बैकग्राउंड से आए हैं, कितने ज़्यादा पिछड़े हुए इलाके से आए हैं, काले गोरे रंग जेंडर इस तरह की किसी भी चीज़ का भेदभाव करे बिना सभी कल्चर के बच्चों को, सभी तरह की फिजिकल और मेंटल जो उनकी स्टेट है वो वाले बच्चे, हर तरह के बच्चों को क्या करना है, एक साथ पढ़ने का मौका देना है। चूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कहने से कुछ नहीं होता, करने और कहने बोलते हैं प्रैक्टिकल और थ्योरी में डिफरेंस होता है। जब आपने ऐसी कोई चीज़ प्लान की तो उसमें शॉर्टकमिंग्स ना आए, पिटफॉल्स ना आए, आपके हाथ बंधे नहीं हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा। और उस फुल प्रूफ प्लान का जो मेन आइडिया है या मेन पॉइंट है वो ये है कि आपके पास ऐसा मटीरियल अवेलेबल हो जो कि सभी तरह के बच्चों की नीड्स जो हैं उसके हिसाब से केटर हो। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं या कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसमें सभी बच्चे एक साथ भाग ले पाएं, उसको इंश्योर करने के लिए जो मटेरियल है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। एंड यू हैव टू टीच अबाउट कल्चर एंड रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बताया था सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए सभी धर्मों और सभी रिलीजन्स के बारे में एक साथ पढ़ाया जाए और सब बच्चों को एक्सपोजर हो, हमारा जो रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है, उसके बारे में सबको एक्सपोजर हो, सबको मौका मिले उसे जानने और समझने का। एंड फाइनली अडेप्टिंग एंड इंटीग्रेटिंग लेसन्स अप्रोप्रिएटली, जो भी हमारा कंटेंट है उसको आपको ध्यान में रखकर जो है इस मेथडोलॉजी को फॉलो करना है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स थे इंक्लूसिव एजुकेशन के। अब रूटीन में इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, प्रैक्टिस ऐसे करना है कि जो भी चीज़ आप इसके अंतर्गत आप पढ़ा रहे हैं या स्कूल्स में इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या करें, बच्चा जो है वो अपने नेचुरल सेल्फ में रहे, उसे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल महसूस ना हो नॉर्मल बच्चों के साथ, अनकम्फर्टेबल या अनइजीनेस जो बोलते हैं, अनइजीनेस उसे महसूस ना हो, ये होना चाहिए कि आपको अनइजीनेस जो है वो महसूस ना हो बच्चे को, बच्चे को लगे दैट आई बिलोंग टू दिस प्लेस और ये जो साथ में मेरा जो पीयर ग्रुप है, जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरा सोशल ग्रुप है, मैं इसी को बिलोंग करता हूँ। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर और स्कूल स्टाफ की है। लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शंस ना रखे जाएँ, जितना ज़्यादा कम से कम रिस्ट्रिक्शंस रखे जाएँ, बंधन बिल्कुल ना रखे जाएँ, सबको अपनी अपनी पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंडिंग, मेंटल लेवल के हिसाब से प्रोग्रेस करने की आज़ादी हो। और सारी एक्टिविटी शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। और देखो एक और एक्टिविटी ओरिएंटेड, दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो लर्निंग है वो हम बात ही करते हैं आजकल, प्रोजेक्ट मेथड और एक्टिविटी मेथड ही ज़्यादा पॉपुलर है, लर्निंग बाय डूइंग जो होती है उससे बच्चा ज़्यादा जल्दी सीखता है। तो आप जो भी चीज़ अपना करिकुलम प्लान करें, लेसन प्लान करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो हैं उसको इन्वॉल्व कीजिए और सबको पार्टिसिपेट करने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। और ओवरऑल जो ये प्रोग्राम हो, ऐसा ना हो कि कॉस्ट की वजह से क्या हो, इस प्रोग्राम का फिर से फेलियर हो जाए, ये पूरी तरह से अडेप्ट ना कर पाए हम लोग और ये फिर उसके बाद वापस से उसी पॉइंट पे हम पहुंच जाएं जहां से हमने इस चीज को शुरू किया था आधा अधूरा। इसलिए जो प्रोग्राम है ओवरऑल वो कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो ये कुछ इसके और पॉइंट्स थे। और ये देखो जैसा कि हम इसको ट्रेडिशनल क्लासरूम से जनरली हम इन मॉडल्स को कंपेयर करते हैं, तो एक बार क्विकली देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एजुकेशन फॉर ऑल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबको समान अधिकार एजुकेशन का, इक्वल अपॉर्चुनिटी, नो वन लीव्स बिहाइंड, कोई पीछे ना रह जाए, स्पेशल स्टूडेंट्स, नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ पढ़े, ये कुछ कैच वर्ड्स हैं, अगर इन पे से कोई भी वर्ड आपसे पूछा जाता है तो आपको सीधे आइडिया हो जाना चाहिए कि इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है। नॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन फॉर सम, वाई सम, बिकॉज जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं या कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं उनको क्या किया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है, उनको एडमिशन्स लेने में प्रॉब्लम होती है या नॉर्मल क्लास में एडजस्टमेंट के लिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे फ्लेक्सिबल टीचिंग है, ये जिसके रूल्स थोड़ा स्टैटिक और रिजिड हैं। यहाँ पे लर्निंग पे एम्फेसिस है और नॉर्मल जो हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन होता है उस पर टीचिंग पे, सिर्फ पढ़ाने में होता है, यहाँ खुद सीखने में होता है। देखो टीचिंग और लर्निंग में बेसिक डिफरेंस होता है कि आप यहाँ पर इम्पार्ट कर रहे हो नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, बिलीव्स एंड अ पर्टिकुलर कंटेंट, जो भी चीज़ें आप पढ़ा रहे हो। लर्निंग वो चीज़ होती है जिससे कि आप प्रैक्टिस करके उसे अपनी लाइफ का पार्ट बना रहे हो। तो वो क्या हो रहा है, आपके साथ एक
लाइफ कभी होता है ना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हम वर्ड यूज करते हैं, हम लाइफ लॉन्ग टीचिंग भी बोलते हैं। लर्निंग का मतलब है ऐसी चीजें सीखना जिसको बार बार करके वो आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एम्फेसिस देती है लर्निंग के ऊपर, और नॉर्मल ट्रेडिशनल टीचिंग जो हमारी होती है वो टीचिंग के ऊपर फोकस करती है। यहाँ पर हमने बात करी थी कि चाइल्ड सेंटर है, यहाँ पर जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड पढ़ाई होती है। इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच, बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर उसको बनाया गया है। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी ट्रेडिशनल एजुकेशन डायग्नोस्टिक होती है, जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है बच्चा उसके हिसाब से मॉडिफाई करके उन चीजों को डायग्नोस क्या करते हो, आप उस चीज को ढूंढते हो कि जिससे चीज समझ नहीं आई है, प्रॉब्लम किस वजह से है, तो उस प्रॉब्लम को ढूंढ के आप उससे रिलेटेड सॉल्यूशन जो है बच्चों को प्रोवाइड करते हो। मे बी अ चेंज इन मेथोडोलॉजी, मे बी अ चेंज ऑफ टॉपिक, मे बी अ चेंज ऑफ एग्जांपल और एक्टिविटी। तो इस तरह से डायग्नोस्टिक होती है हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन। इक्वलाइजेशन की बात होती है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूजन है, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड बाय एक्सक्लूसिव ग्रुप को टारगेट करके दी जाती है। प्लानिंग इज मेड ऑन एबिलिटी, याद रखिएगा जो मैंने आपको बात बताई थी, हर बच्चा या हर पर्सन में अपनी कोई ना कोई खासियत होती है, उसको ध्यान में रख के जो चीज़ें हैं वो प्लान की जाती हैं, उसके अराउंड सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ना कि उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से जो ट्रेडिशनल एजुकेशन में होता था। यहाँ पे बच्चों के ऊपर कोई लेबल्स नहीं है और यहाँ पे बच्चों को लेबल किया जाता है। तो ये कुछ डिफरेंस थे इंक्लूसिव और ट्रेडिशनल के। अब इम्पॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एक तो ये बात कि आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है पीपल इन एनवायरनमेंट यूनिट के अंदर जो SGDs हैं वो आपके लिए बिल्कुल अच्छे से आपको याद होने चाहिए। और उसी में अगर मैं पूछूं कि कौन सा गोल है जो एजुकेशन की बात करता है, तो आपका आंसर होगा हमारा चौथा गोल। और जो हमारा जिसे कहते हैं SGDs क्या है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड फॉलो करने वाले ऐसे कुछ गोल्स हैं जिन्हें आगे के कुछ टाइम तक फॉलो करने की बात हमेशा बोली जाती है। तो सोचिए जब उसमें एजुकेशन का जो गोल है उसमें स्पेशली इंक्लूसिव एजुकेशन का जो पॉइंट है उसको ऐड किया गया है, यानी कि इसको यूनिफॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब फॉलो करने की बात हो रही है कि हर तरह के बच्चे को, देखो यहीं लिखा हुआ है, respect the diverse need, ability and characteristics of all children and youth and is free from all forms of discrimination, किसी भी भेदभाव के अलावा को पीछे छोड़ के सब बच्चों को include किया जाए। तो एक तो ये क्वेश्चन, क्या SGDs में इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट बताया गया है, हाईलाइट है, बिल्कुल हाँ है। और किसके अंदर आता है, जो हमारा फोर्थ गोल है उसके अंदर आता है, जो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है, एक ही है। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। एक तो ये कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NPE जो हमारी 1986 वाली आई थी, हमने पढ़ रखी है, उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई थी। तो ये याद रखना कि उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई थी। ऑब्जेक्टिव उन्होंने क्या डिफाइन किया था, उन्होंने बोला था कैटेगोरिकली टू इंटीग्रेट, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, समझ के भी काम चल जाएगा, टू इंटीग्रेट दी फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप विथ नॉर्मल और आई शुड से जनरल कम्युनिटी As equal partners। देखो इसको दोबारा देखते हैं, NPE 1986 में क्या बोला गया कि आप mentally या physically handicap वाले बच्चे हैं उनको हमारी ही community का part बनाइए as equal partners। Inclusive education के clause में ये तब भी mention किया गया। तो फिर से पूछा जाता है कि 1986 में क्या ऐसी कोई बात हुई थी, तो आपका answer होगा yes। और क्या बात हुई थी exactly, मैंने आपको objective जो है वो बता दिया है, ये जो बच्चे किसी भी तरह के हैंडीकैप से ग्रस्त हैं उनको नॉर्मल कम्युनिटी का पार्ट ही समझा जाए, उन्हें सारी की सारी एजुकेशन से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की जाए एज पार्टनर्स, उन्हें एक साथ समझ के। और दूसरा जो पॉइंट मुझे आपको बताना था वो ये था कि देयर इज अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 1995। इस एक्ट में भी स्पेसिफिकली जो है बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल प्लेटफॉर्म देने की बात हुई है। किन किन एरियाज में बात हुई है, देखो एक तो उनके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर,
ट्रांसपोर्टेशन एक मेजर प्रॉब्लम हो जाती है ऐसे बच्चों को स्कूल तक आने ले जाने उतारने चढ़ाने और बेसिक जो चीज़ें हैं उनको करने में, तो उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए ट्रांसपोर्टेशन की। इसके अलावा स्कूल बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स एंड अदर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड की जाए। इसके अलावा उनको एक ऐसा उनके पेरेंट्स के ग्रीवांसेस के लिए, ग्रीवांसेस जानते हैं कोई परेशानी है कोई शिकायत है तो उसके लिए उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पर वो बात कर पाएँ। उसके अलावा क्या हो, आपके स्कूल के ऐसे रिमूवल ऑफ आर्किटेक्चुरल हिंड्रेंसेज या बैरियर्स मैं बोलूँ, जैसे कि मान लीजिए वही मैंने आर्किटेक्चुरल बैरियर्स क्या होते हैं, आपने अपना जो लेआउट स्कूल का किया हुआ है उसमें ऐसी चीज़ें हैं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ जहाँ पे स्पेशली आपको स्किल सिखा रहे हैं और ऐसे बच्चों को वो सीखने में परेशानी होगी, तो आपको उसको यूज़र फ्रेंडली ऐसे स्टूडेंट्स या बच्चों के हिसाब से फ्रेंडली बनाना होगा ऐसे बैरियर्स को हटा के कि वो भी उस चीज़ को सीख पाएँ आसानी से। ऐसा ना हो कि उन्हें बोला जाए आप उधर बैठ जाइए आपके लिए नहीं, जो कि पहले होता आया है और अब भी काफ़ी हद तक होता है। तो उन चीज़ों को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने के लिए आप ऐसा फैसिलिटेट करें, उन्हें ऐसा माहौल दें, ऐसा यूज़र फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दें और अपने आर्किटेक्चुरल बैरियर्स जो हैं उनको रिमूव कीजिए। वो भी इसमें बात हुई थी किसमें, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में। और एक और क्या था इसका, यस सूटेबल एग्जामिनेशन सिस्टम, सूटेबल एग्जाम का जो सिस्टम है अगर उसमें आपको थोड़ा चेंज लाने की जरूरत हो रही है, जैसे कि ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर आपको कोई चीज़ करनी है या मैथ्स के प्रॉब्लम्स को ज़्यादा इंकॉर्पोरेट करना है, तो इन सारी चीज़ों को भी आपको ध्यान करना पड़ेगा जब आप करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं, सो दैट यू आर गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्वल प्लेटफॉर्म टू ऑल द चिल्ड्रन इररिस्पेक्टिव ऑफ कलर कास्ट रेस रिलीजन क्रीड एनीथिंग। तो ये पूरी चीज़ें थी टोटैलिटी में आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे सेशन। अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।